हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिला परिषद चेयरमैन चुनाव को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग चुका है। मक्खन सिंह लबाना को जिला परिषद चेयरमैन चुनाव से एक दिन पहले ही पुलिस ने उठा लिया था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी में काफी रोष देखने को मिला। आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन तो कर ही रही थी, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतर आए थे। आम आदमी पार्टी उत्तरी हरियाणा के संयोजक चित्रा सरवारा ने कहा कि मक्खन सिंह लबाना के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इसमें ये कहा गया है कि मक्खन सिंह लबाना के बिना जिला परिषद चेयरमैन चुनाव नहीं होगा। जब से जिला परिषद का चुनाव हुआ और चुनाव के अंदर भाजपा की करारी हार हुई, तब से ये अंदेशा हो गया था कि अब आगे कुछ भी सरल तरीके से नहीं होगा। ऑपरेशन लोटस जो सुनते आ रहे हैं, पूरे देश में आज अंबाला में पिछले कई दिनों से जड़ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जो आम आदमी पार्टी के जिला परिषद मेंबर और यहां के प्रबल दावेदार थे चेयरमैन कैंडिडेटशिप के, मक्खन सिंह लबाना, उनको एक फर्जी केस में एक तफ्तीश के बहाने उनके घर से उठा लिया गया। और इस बात से साफ जाहिर होता है कि जो आगामी चुनाव, जो आज चेयरमैन का चुनाव होना था, इसके अंदर उनकी चेयरमैनशिप को रोकने का और उसे हाईजैक करने का एक बहुत गंदा प्लान था। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में चित्रा सरवारा ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। क्या कुछ वहाँ से राहत मिली थी आप लोगों को? देखिए, जब से जिला परिषद का चुनाव हुआ और जिला परिषद चुनाव के अंदर भाजपा की करारी हार हुई, तभी से सबको अंदेशा हो गया था कि अब आगे कुछ भी सीधे तरीके से नहीं रहेगा। ऑपरेशन लोटस जो हम सुनते आए हैं पूरे देश में, आज अंबाला में पिछले कई दिनों से वो पूरी तरह से जड़ पकड़ने में लगा हुआ था। जो आम आदमी पार्टी के जिला परिषद मेंबर और यहाँ के सबसे प्रबल दावेदार थे चेयरमैन कैंडिडेटशिप के, मक्खन सिंह लबाना जी, उनको एक फर्जी केस में एक शामिल तफ्तीश के बहाने उनके घर से परसों उठा लिया गया था। और साफ जाहिर होता है कि ये सब आगामी जो आज का चुनाव था, इसके अंदर उनकी चेयरमैनशिप को रोकने का और उसे हाईजैक करने का भाजपा का एक बहुत गंदा प्लान था। कल के चुनाव के अंदर सब जानते हैं सिर्फ 5 मेंबर आए थे, बाकी सब ने इसका बहिष्कार किया। और इसको जब स्थगित करा गया तो सिर्फ अगले दिन की डायरेक्ट डेट दे दी गई। सब जिलों में जहां पर ये स्थगित हुआ है वहां पर डेट जनवरी की लगी है। यहां पर ऐसी क्या बात थी कि समय नहीं देना चाहते थे? वो सीधी बात ये थी कि कल से बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें अंबाला कैंट के एक होटल है, वहाँ पे हमारा इंडियन रोलर, वहाँ पे CII स्टाफ की गाड़ियाँ बाहर लगी हुई थी और 3 वहाँ पर प्रत्याशी उसके अंदर नज़रबंद थे। उन प्रत्याशियों की तस्वीरें भी आम आदमी पार्टी के हैंडल से आज ट्वीट हुई हैं। सड़क पे इंडियन रोलर के बाहर वो खड़े हुए हैं। और आज सवेरे 9 प्रत्याशियों को पुलिस कस्टडी के अंदर यहाँ पर पेश करा गया है। जाहिर है 15 मेंबर के जिला परिषद के अंदर किसी भी हद पे किसी भी लिमिट को पार करके भाजपा आज उसे हाईजैक करके अपना चेयरमैन, अपनी पसंद का चेयरमैन बनाने में लगी हुई है। आज हम ये कहेंगे कि मक्खन सिंह लबाना जी को जिस साजिश के तहत इन्होंने धरा था, जिस मंशा से धरा था, एक तो उसकी हार कल हुई जब मेजॉरिटी मेंबर्स ने कल के चुनाव का बहिष्कार किया, और आज एक बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की ये हुई है कि हाई कोर्ट ने अभी अभी जो हियरिंग करी है उसके अंदर प्रशासन को, पुलिस को बहुत सख्त फटकार मारी, जहां उन्होंने पूछा कि आप ऐसे कैसे कैंडिडेट को चुनाव की ईव पर उठा के ले जा सकते हैं। हाई कोर्ट का अभी अभी वहां से ऑर्डर हुआ है कि मक्खन सिंह लबाना जी को चुनाव की हर प्रक्रिया में हिस्सा लेने दिया जाए। और बहुत बड़ी बात उससे भी ऊपर जो हाई कोर्ट ने कही है कि जब तक मक्खन सिंह लबाना जी आज की चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे, आज की चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, नहीं करवाई जा सकती, वोटिंग नहीं हो सकती, उसे मान्यता नहीं मिलेगी। हमारे पास मक्खन जी का जो एक ऑर्डर है उसकी कॉपी हमारे पास अभी आने ही वाली है यहाँ पर, और हम समझेंगे हमें न्यायपालिका से जो उम्मीद थी न्याय की, देश के प्रति जो है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, आज आखिरी उम्मीद हमारी न्यायपालिका थी और हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं, 9 को किस हालत में, किस प्रेशर के अंडर, किस तरह से साम दाम दंड भर करके अंदर लेके जाया गया, ये तो समय बताएगा। आज जो जो यहाँ पर स्वच्छंद, इंडिपेंडेंट और भाजपा से नहीं दब पाए वो सारे कैंडिडेट्स आज उस सदन के बाहर हैं। और अगर हमें जी आज ही पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर वो आज पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ये आज का चुनाव जो है स्थगित करा जाएगा, इसको पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।